हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होम फूड इज गुड। आज हम बनाने वाले हैं राजमा की टेस्टी रेसिपी बगैर प्याज अदरक लहसुन के। जिनके घर में प्याज और लहसुन नहीं यूज़ होता वो ये रेसिपी जरूर ट्राई करें। तो जी, मैंने डाल दिए 2 मुट्ठी से भी कम राजमा और चढ़ा दिया उसे तेज़ गैस पर, दिला दी मैंने 10 सीटियाँ। उतनी देर में मैंने करी मसाले की तैयारी और यहाँ पर हम मसाले में खूब सारा टमाटर डालेंगे। यहाँ मैंने लिए हैं 4 टमाटर, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। जितने आप राजमा ले रहे हैं उससे थोड़े से ज़्यादा अपने टमाटर लेने हैं। तो लगाया मैंने, डाला तेल और फिर लगाया हींग और जीरे का चौक और फिर डाल दी हरी मिर्च कटी हुई। 1 हरी मिर्च यूज़ करी है मैंने, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। और फिर डाल दी इतनी सारी टमाटर की प्यूरी जो मैंने बनाई थी और उसे सिम गैस पे पकने दिया। जैसे ही वो 5 मिनट में पक गई तो फिर मैंने डाले अपने सारे एसेंशियल मसाले, देगी मिर्च, गरम मसाला, सूखा धनिया, थोड़ी सी लाल मिर्च और नमक। लाल मिर्च कम इसलिए क्योंकि पहले से मैंने हरी मिर्च डाल दी थी। और फिर क्रश करके अच्छे से डाल दिया मैंने कस्तूरी मेथी। इसका फ्लेवर और भी एनहेंस हो जाएगा और बहुत ही अच्छा राजमा में टेस्ट आएगा। और फिर डाल दिया मैंने धनिया। आप चाहें तो धनिया लास्ट में भी डाल सकते हैं, पर मेरे बच्चे नहीं खाते तो मैं धनिया पहले डाल देती हूँ ताकि कुकर में इसकी साथ ही इसकी सीटी लग जाए। और फिर मैंने गैस कुकर दिया बंद और मेरे ऑलमोस्ट राजमा हो चुके थे, बस 5 से सीटी लगानी थी। तो मैंने सारे डाल दिया मसाला और फिर थोड़ा सा और पानी डाल दिया और इसको रख दिया मैंने सिम गैस पे, दिलाई मैंने 5 सीटी और अच्छे से मैंने उतनी देर में राजमा होने दिए। और उतनी देर में मैंने तैयारी कर दी अपने चावलों की। मैंने डाला थोड़ा सा तेल, नमक, मिर्च और फिर डाल दिए अपने चावल और सिम गैस पे दिला दी 3 सीटी। उतनी देर में मेरे हो गए चावल तैयार और ये देख सकते हैं आप कितने शानदार चावल तैयार हो गए हैं। और उतनी देर में मेरे राजमा भी तैयार हो गए, बहुत ही टेस्टी बने थे। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छी बनती है, बहुत ही यम्मी बनती है। और अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब।